गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय श्री श्याम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? और फिलहाल तो हो चुकी है मॉर्निंग, तो न्यू मॉर्निंग की न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और चलिए, अभी तो मैं नहाकर आई हूँ, पूजा करने के लिए जा रही हूँ। सैटरडे भी है, हैप्पी सैटरडे। तो अभी हनुमान चालीसा लगाया हुआ है मैंने। बाकी मैं अभी पूजा कर रही हूँ और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। बच्चों के डैडी तो चले गए ऑफिस, बच्चे सो रहे हैं अभी फिलहाल। तो देखिए गाइज, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, दिया मैंने जला लिया है। बाकी अभी मैं पूजा पाठ करके फिर जैसा भी जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। देखिए, मैंने चीज़ एंड पोटैटो टोस्ट बनाया तवे पे ही, देखिए। और एकदम बटर लगा के दोनों तरफ से क्रिस्पी सा करके इसको तब बनाया। क्यों पकड़ना जल्दी, ऐसे पकड़ना। ये देखिए, ये देखिए चीज़ पटैटो टोस्ट। और मैं साथ में रुआ और टमाटो टोस्ट लूँगी। टिया को दिया है, टिया को टोस्ट नहीं खाना। ये देखिए दिखाते हैं पास्ता, देखिए कितना मस्त लग रहा है। टिया नहीं खाएगी, टिया को बटर वाली ब्रेड सेक के दिए चाय के साथ। डॉल को दिया है रुआ अफ्जा टोस्ट के साथ। ऐसे क्यों खा रहे हो, दोनों मिला कर खाते हैं। ये अपनी चाय में दूध गिरवा रही है गर्म चाय को ठंडा करने के लिए। एक बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये, आप इसको बना सकते हैं जैसे आलू के पराठे बनाते हो। उसके लिए आप पिट्ठी तैयार करते हो ना, तो ब्रेड को बटर में सेक लो तवे पे, फिर उस पर ये लगा लो, फिर आप उस पर चीज़ पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल सकते हो अगर है तो, नहीं भी डालोगे कोई बात नहीं। बटर अच्छे से लगा के सेक के और उसके बाद ये चीज़ लगा लो पोटैटो को और फिर इसको क्रिस्पी सा सेक लो। और हरी मिर्चें, प्याज, धनिया खूब अच्छा सा डाल के, चाट मसाला इसमें, फिर खाओ। वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा है, बिना सॉस के भी बढ़िया लग रहा है। गाइस, मूवी आ चुकी है सिया के राम, बहुत ही मस्त मूवी है। इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा जा रहा है, सब बोल रहे हैं मूवी बहुत फर्स्ट क्लास है। और हम लोग भी प्लान कर रहे हैं मूवी देखने के लिए। अभी डॉन ने तो देखो चीनू को लिया हुआ है गोद में, इसके साथ खेलने लिया। अभी इन्हें अपना होमवर्क किया था ट्यूशन का, फिर अब इसका 1:30 बजे क्लास है, टाइम चेंज कर दिया, 1:30 बजे क्लास है। सो गाइज, मैं बता रही थी कि मूवी बहुत मस्त जा रही है और जो इसमें एक्टर है मेल एक्टर हैं वो मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो उनका रोल राम का रोल किया है उन्होंने, और सीता राम, लक्ष्मण, रावण ये सब इसमें बने हुए हैं। रामायण की जो है इसमें कॉपी की गई है, रामायण का जो पार्ट है वो मूवी के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा थीम है, बच्चों को इससे क्या है रामायण भी अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो है पिक्चर्स और ये सब कुछ ही देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही अगर पढ़ने वाली चीज़ें अगर ऐसी मूवी टाइप से बन के आ जाए तो बच्चों को भी ईजिली हो जाएगा पढ़ने में, उन्हें सब कुछ याद रहेगा कैरेक्टर देख के, क्योंकि एक्टर्स को देख के ज़्यादा बच्चों को जल्दी से नॉलेज होती है उनका, जो मतलब वो देखते हैं एक्टिंग तो उससे उनको याद रहती हैं वो चीज़ें। तो मे भी हो सकता है हम आज लोग आज मतलब मूवी देखने जाएं सब लोग। अभी मैंने कॉल किया था बच्चों के डैडी को बट अटेंड नहीं किया, बैठे होंगे अभी मतलब बॉस के साथ। तो देखते हैं जैसा भी जो प्लान रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर देखने गए तो बीच बीच में थोड़ा सा ट्रेलर भी आपको दिखाऊँगी मूवी का। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। गाइस, आप लोग तो कमेंट ही नहीं कर रहे हो, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब और शेयर भी करो। है, हम बहुत मेहनत करके आपको ब्लॉग दिखाते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो गाइज, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए अगर हमारे आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, और शेयर तो ज़रूरी कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। क्योंकि देखिए, हर चीज़ में मेहनत होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मतलब ऐसे ही हो जाता है, मेहनत होती है हर चीज़ में। तो आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ नया दिखाते रहेंगे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। सो गाइस, मेरे जो प्लांट्स हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, चाहे मैं कितनी रख रखाव कर लूँ इसमें। पर अब मेरे माइंड में आया है कि मैंने है ना इसमें नींबू का वो किया है, नींबू के शीट्स इसमें डाल दी। अब देखते हैं कितने दिन में ये ग्रो करेंगे। इसमें मैं खाद ला के डाल दूँगी और दिखाती हूँ। आज मैंने 2-3 पौधे ऐसे प्लांट्स मतलब करे हैं, और मैंने जो है शहद लिया और गुलाब का जो होती है डंडी, ये देखिए, ये इस वाले में से मैंने एक ये काटा
फिर इसको शहद के अंदर इसकी जो डंडी है नीचे से उसे लगा के शहद, और फिर उसको एक पोटैटो लिया छोटा सा उसको उसमें डाल के और इसके अंदर ये बो दिया। अब देखते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो बता रहे हैं कैसे होता है। इसे भी मैंने ऐसे ही किया है, पोटैटो के अंदर इसको अंदर डाल दिया शहद लगा कर, और पोटैटो भी इसी में ही है, ये भी गुलाब का ऐसे लगा दिया मैंने। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ टमाटो का, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। हाँ बताओ, ये जो देखो ये वाटरमेलन के बीज थे, ग्रो हो गए। देखो अब ये वाटरमेलन घर में ही खा लेगी, तो अच्छे अच्छे वाटरमेलन आ जाएंगे ना इसमें। इसके अंदर वाटरमेलन नहीं आते, जमीन में आते हैं वाटरमेलन, पर वो प्लांट हो गया है तो इसको आप जमीन पे लगा सकते हो अच्छी मिट्टी में। गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर ये अपना ये डाल रखा था कम्बल, और ये देखिए ब्लैंकेट कहाँ चला गया, उड़ के डाल रही है लेने के लिए। जल्दी फास्ट भैया, साइड में को चले जाना। ले मैं नहीं आती भारे को, जा जल्दी लेकर आ। डाल गई है गाइस लेने के लिए, तो पता भी नहीं चलता। हाँ तो ये पहली बार हुआ ऐसा केस तो हमारे साथ, अभी ऐसा नहीं हुआ वैसे भी, लेकिन ये मुझे धोना ही था आज, मशीन में लगाऊंगी इनको दोनों को। दो ब्लैंकेट और ला के रखेंगे क्योंकि दो ही लाए थे। गाइस ये देखो टिया बच्ची रो रही है। ये देखो छोटी सी बच्ची को धकेल के अंदर घेरा जा रहा है, पर ये तो बहुत ही ज्यादा बदमाश है। चाची आप भी नीचे, कितनी नकली लड़की है, मुझे बहुत परेशान करती है। अब इसकी मम्मी आ रही है इसको लेने, अब इसमें पड़ेंगे चाटे। आ गई मम्मी। चलो आओ चाची को, यूँ कहते कि तू ले लेते हैं। चाची 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 अगर घर जा रहे हो ना तो झूली लेके आ जाना। कहाँ ये देखो गाय छोड़ी बच्ची आई आई। सो गाइस देखिए, मैंने ये एक टमाटो लिया है, उस पे ऐसे करके आलू वगैरह लगा दिया काट के, ठीक है। और इसको तो मैं यहाँ लाइफ ले लिया, यहाँ लगा दिया, और ये पीछे भी लगा दिया, अच्छे पूरे पे लगा दिया, बढ़िया लग गया। नाइफ से या सीजर से कैसे भी आप ये काट सकते हैं। पूरे एक तो कट करोगे अंदर। चलो टीटू। गाइस एक बात बताओ, ये देखो छोटी सी बच्ची रो रही है। देखिए गाइस हम ये आए इकट्ठे, थोड़ा सा बीच में ऐसा हम सा कर लिया ना, इसमें दूसरे प्लांट लगे थे लेकिन अब जब बचे ही नहीं, अब दोबारा से ट्राई कर लेना। और अगर ये हमारी बहन छोड़ देगी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 15 डेज के लिए जहाँ ये इसका वो होता है ना ब्लैक सा, उसे नीचे दबा के 15 डेज के लिए ऐसे करके एलोवेरा के साथ में दबा दिया। हमें टिया से बचाना है इसको, समझ गई। टिया की नज़रों में नहीं आना चाहिए। पूरा ढको के क्या, पूरा नहीं रखना, आधा ही करता हूँ। आधा ही तो ये 15 डेज के लिए हो गया गाइस। अब इसमें टमाटो का प्लांट आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये हो चुका है, मैंने 4-5 प्लांट लगाए आज। वो टहल टहल के रो रही है पागलों की तरह। अब इसके अंदर आप वाटर दे रहे हो, साइड में थोड़ी लग गई रहती हूँ इसमें। हाँ तो उनने वो पौधा होने की बात करी थी।
तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी नाम समझो पर इश्क को हमारे। नजरों के सामने मैं आती नहीं तुम्हारे मगर। अरे थोड़ा काम है क्रॉफर्ड मार्केट जाने का, तो गाड़ी मैं चलाऊंगा। हम मर जाएंगे ओ, हम मर जाएंगे गाइज। मैं अभी फ़िलहाल बाहर आई हुई हूँ और मैं अपने लिए दवाई लेने आई थी स्टोर से, क्योंकि है ना मेरा थोड़ा सा यहाँ कान के पीछे बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा था, तो अभी स्टोर में आई हूँ दवाई लेने के लिए। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त एकदम दिखाती हूँ। गाइज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर भागवत गीता या जो भी कोई ऐसा पार्ट होता है तो राजस्थान में खाना कैसे खिलाते हैं, क्या चीज़ें दिखाती हूँ। अभी यहीं हमारे बाहर ही हुआ है कॉलोनी में, तो आपको दिखाती हूँ। आज यहाँ पर किसी का बर्थडे है, प्रोग्राम किया है, सब होता रहता है। यहाँ भगवान को ज़्यादा मानते थे इसलिए बाबा की भगवान की ज़्यादातर पूजा पाठ में लोग करते हैं, विश्वास है इनका। और ये देखो उसी का प्रोग्राम हो रहा है बच्चे के तरफ से इनका। अब यहाँ पर प्रोग्राम हो चुका है, बाकी खाना पीना ये सब चल रहा है। प्रसाद गाइस। लेने गई थी सिर्फ अपनी दवाई, छोटा मोटा सामान फिर भी याद आ जाते हैं। मेरा फैन खाने का बहुत मन कर रहा था ब्लैक टी के साथ, अभी खाऊंगी पहले फिर खाना बनाऊंगी। और ये देखिए छोटे छोटे सामान है, छाछ, धनिया साबुत, माचिस, मूली, ब्रेड टाइम बे टाइम काम आती है, खीरे, तोरी, तो ये सब कुछ लेकर आई हूँ। अभी जस्ट घर में आई हूँ मैं। 7:45 हो रहे हैं और 7:45 बजे मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, रात के 7:45। बना रही हूँ अभी अपने लिए ब्लैक टी। मैं मिल्क वाली टी पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, कॉफ़ी पसंद करती हूँ पीना, वो मिल्क की भी और ब्लैक कॉफ़ी भी। बट मुझे टी सिर्फ ब्लैक टी पसंद है या लेमन टी पसंद है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पैन खाऊंगी ना साथ में, तो ब्लैक टी बना रही हूँ नॉर्मली सिंपल, जिसमें चीनी और पत्ती डलेगा बस। इस मेरी ब्लैक टी और पैन रेडी हो गए, अब मैं ये खाऊंगी बैठ के आराम से। इतने सोयाबीन भिगो दिए, तोरी छीलूँगी फटाफट, सब्जी तैयार कर लूँगी। गाइस आज मेरा रामायण देखने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैं अभी फ़िलहाल रामायण देख रही हूँ, जिसमें कि रावण ने सीता का हरण करा है और वो अपने साथ ले जा रहे हैं सीता जी को। देखिए मैं अपनी दादी के साथ देखती थी जब छोटी थी ना, देख रही हूँ तो वही सब कुछ याद आ रहा है। गाइस क्या आप जानते हैं कि जो ब्लॉगर है सौरभ जोशी, वो 15 करोड़ का अपना घर बना रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि उनका जो भी पूरा परिवार है वो सब साथ में रहे, उनके चाचा चाची
और मम्मी पापा, उसके सारे भाई भाई सब जो भी फैमिली के हैं, मतलब वो इसीलिए इतना बड़ा घर बनवा रहा है ताकि उसकी पूरी फैमिली साथ में रहे। तो गाइस, सौरभ जोशी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत ही अच्छा इंसान है दिल से, और उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं उसके पेरेंट्स ने कि वो सबकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस सौरभ जोशी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में न्यू ब्लॉग के साथ, और आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जैसा भी जो भी है उस समय को अच्छे से इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।